नमस्कार दोस्तों, AIPE का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर डर ऑटोमेटिक उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि हम फेल हो जाएं। तो दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी AIPE के एग्जाम में फेल नहीं होगा। 10 दिन के अंदर मैं ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ आपको, ऐसी एजुकेशन आपको किस हिसाब से करना है कि इस 10 दिन में कैसे पढ़ाई आपको करना है कि 10 दिन के अंदर आप AIPE एग्जाम को पास कर जाएंगे, चाहे वो पहली बार वाले हों या दूसरी बार वाले हों। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अब आप लोग फेल हो ही नहीं सकते हैं, मैं इसकी 100% गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस आप उन नियमों को पालन करिएगा अच्छी तरीके से, और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है। मात्र 10 दिन में ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे पढ़ने की विधि बता रहा हूँ कि 10 दिन में ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप 10 दिन के अंदर AIPE का एग्जाम पास कर जाएं। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को मिस मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि जो मैं लास्ट में बताऊंगा बिल्कुल अच्छा ट्रिक, वो लास्ट में ही वीडियो, जैसे जैसे वीडियो मेरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका उद्देश्य बढ़ता जाएगा। ये वीडियो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, AIPE का एग्जाम 10 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि पहली बात तो कि जो ये 5 फरवरी की डेट आई है, आप लोगों को बहुत से ऐसे लोग बहका रहे हैं वीडियो बनाकर कि डेट बढ़ गई है, ये हुआ ये हो गया। तो अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्जाम की डेट बढ़ेगी, वैसे एग्जाम की डेट अब बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों। आपको इसी बीच में पढ़ाई करके तैयारी करना है, किस हिसाब से तैयारी करना है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल ही सरल तरीका बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आप AIPE का एग्जाम पास करने के लिए आराम से कोई भी एक ऐसी नोट लाइए जिसमें कम से कम 10 साल का AIPE एग्जाम का पेपर हो, बैक पिछले 10 साल का। अगर 10 साल का नहीं है तो चलिए 5 साल का ले लीजिए, 5 साल का बैक पेपर आप ले लीजिए और बेयर एक्ट ले करके उसका सही से मिलान करिए। सही से जब आप उसमें मिलान करेंगे और उसमें क्या आया है, कैसे आया है, आपको बेयर एक्ट से कैसे ढूंढेंगे उसमें, तो इससे आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिल जाएगा कि हम किस प्रकार से वहाँ पे, क्योंकि तमाम क्वेश्चन आएंगे भाइयों, आप बेयर एक्ट यहाँ से अगर पढ़ेंगे नहीं लेके चले जाएंगे। तो चलिए मानते हैं बात कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये 10 दिन आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि रात में या दिन में या कहीं भी, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मात्र दो घंटे आप 10 दिन टाइम दीजिए और उस, मैं जैसा बता रहा हूँ उन नियमों को पालन करिए, आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो आपको सर्वप्रथम उसमें जा करके मिलाना है क्वेश्चन, पहले इसमें देख लेना है, उस क्वेश्चन को उठा करके बेयर एक्ट से मिलान करना है, और तब जा करके आपको एक ये विशेषता मिल जाएगी, आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी कि अगर वहाँ पर बेयर एक्ट लेकर आप जाएंगे तो उसमें ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले यहाँ से उसका डेमो कर लिया है। भाई, आप डेमो कर लिए हैं पिछले 5 साल के पेपर में कैसे क्या आ रहे हैं, अगर 5 साल का ना मिले तो चाहे 1 ही साल का दोस्तों मिल जाए, तो पिछले ही वर्ष का आप पूरा उसका एकदम डिटेल से फॉलो करिएगा, उसका सही सही देख करके और उसमें से मिलान करिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि जब आप यहाँ पर रिहर्सल कर लेंगे आपको वही चीज़ वहाँ भी मिलेगा, बशर्ते क्या है कि कुछ चीज़ें बदल जाएंगी, पर ऐसा नहीं है कि उसका जो नियम है कि उसको नियम में जैसे आ रहा है आएगा वैसे ही क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से ढूंढना है बेयर एक्ट में, कैसे मिलेंगे, आपको वीडियो नहीं वही बताएगा, क्योंकि लोग वीडियो तो बहुत बना रहे हैं, उन चक्करों को छोड़ करके पढ़ाई पर दोस्तों ध्यान दीजिए। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोग ऐसे 10 दिन फॉलो कर लेंगे तो आपको AIPE के एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बार एग्जाम जो होता है इतना भारी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। बस शर्त क्या है कि उसका जो है एक रूल है जो किस हिसाब से करना है,
लोग बाग उसमें चकभका जाते हैं, मतलब कि उस बिल्कुल मिस्टेक खा जाते हैं कि कैसे करें कैसे ना करें वहाँ पे आया है। तो अगर वही चीज़ का रिहर्सल आप पहले यहाँ किए हुए हैं तो आपको दिक्कत आने वाली ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ रिहर्सल नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट ले लिए हैं वहाँ जा करके आपको मालूम है नहीं कहाँ पे क्या है कैसे क्या लेना है, तो ढूंढना है हमें कैसे क्वेश्चन को देखना है तो कुछ नहीं। और अगर आप 10 दिन पढ़ाई कर लेंगे तो कम से कम मैं नहीं कहता 40 नंबर आएगा पासिंग मार्क है, तो अगर 10 दिन के अंदर आप पढ़ाई कर लेंगे तो वैसे ही भी आप 40 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए, अगर नहीं मिलता तो कम से कम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो जितना क्वेश्चन आप लोग ढूंढ लीजिएगा उतना तो आप कर ही लीजिएगा, उसके बाद अगर जो नहीं मिलता है तो कोई भी एक ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, हर एक ऑप्शन पे टिक मत लगाइएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, एक ए में लगाना है कि बी में लगाना है कि सी में लगाना है कि डी में लगाना है, किसी में भी लगाना हो तो आपको एक ही विकल्प पे लगाइएगा, या तो ए में या तो बी में या तो सी में या तो डी में दोस्तों। और ये बात मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि आप लोग भ्रमित मत होइएगा। अगर ये कार्य आप कर लेंगे 10 दिन, अगर आप ये नियमों को पालन कर लेंगे और वहाँ जा करके अगर इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज के बाद दिमाग से टेंशन निकाल दीजिएगा कि हमें कोई फेल कर सकता है। और अगर आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है, अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको कोई और किसी प्रकार की ज़रूरत है तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका पूरा सलूशन दूंगा आपको, वीडियो बना करके दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में ही आपको समझाऊंगा। जिस प्रकार से समझाना होगा उचित होगा मैं उस प्रकार से आपको पूरा पैकेज दूंगा। और दोस्तों, आप लोगों को किसी भी लीगल एडवाइस की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए भी कमेंट करिए मेरे उसमें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।